और बड़ी खबर यूपी से, जहां बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 4 मार्च को खत्म होगी। और आपको ये भी बता दें कि नोटिस के मुताबिक 10वीं परीक्षा और ये 12 दिनों तक और 12वीं की परीक्षा जो है वो 14 दिनों तक चलेगी। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट जारी कर दी गई है। जो छात्र एवं छात्राएं यूपी बोर्ड 2023 की डेट शीट आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन छात्रों का इंतजार अब खत्म हुआ। यूपी बोर्ड 2023 कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाली हैं। इसी के साथ साथ कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाली हैं। इसी के साथ साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जो कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में छात्रों को मिलेगी बड़ी छूट। सभी छात्र आसानी से दे पाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023। यूपी बोर्ड के सभी छात्रों से परीक्षा में आसान सवाल पूछे जाएंगे, जिससे सभी यूपी बोर्ड के छात्र एवं छात्राएं आसानी से परीक्षा दे सकेंगे। और इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में केवल ना के बराबर ही यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा। अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ भी लिखकर नहीं आते हैं, तभी आपको फेल किया जाएगा, अन्यथा आपको फेल नहीं किया जाएगा। यूपी बोर्ड 2023 कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सुबह की मीटिंग में होने वाली है, और यूपी बोर्ड 2023 कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दोपहर की मीटिंग में होने वाली है।